होता है कि आपको इंतजार रहता है हर फ्राइडे 4 से 8 तक के प्रोग्राम का। हमें देखने को मिलता है कि ज्यादातर लोग सफल होने के लिए थोड़ी जल्दी में रहते हैं, मगर जनाब सफलता जल्दीबाजी से नहीं मिलती, सफलता हमें अपने धैर्य से मिलती है। सफल होने के लिए कड़ी मेहनत की भी जरूरत होती है। तो आपको हम वही तो कहते हैं, हमेशा आप मेहनत करें, तभी तो आप उसको अचीव कर पाएंगे। अक्सर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो बहुत जल्दी सफलता का स्वाद चखना चाहते हैं। हमें जब भी कोई निराशा होती है, हम सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन लाइफ में सफलता उन्हें मिलती है जो अपनी कमजोरियों को ताकत बनाता है और किसी भी स्थिति में हार नहीं मानता है। जिंदगी में छोटे से लेकर बड़ा हर कोई सफल होना चाहता है। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 7 हिंदुस्तानी से की। जिंदगी के शुरुआती दिनों में ही इन्हें बहुत रिजेक्शन मिला। आज फर्स्ट से अष्ट तक में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड में शुरुआती दिनों में लगातार इनकी 14 फिल्में फ्लॉप हो गई, ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट हो गए। फिल्म इंडस्ट्रीज में लंबे कद के कारण इन्हें फिल्मों में काफी समस्या आई, मगर कभी हार नहीं मानी। लगातार फ्लॉप होने के बाद ये अंदर से टूट चुके थे। उसके बाद इन्होंने अपने जीवन में कई उत्थान और पतन को देखा, मगर कभी अपना धैर्य नहीं खोया। अमिताभ बच्चन हमेशा बोलते हैं अपने पिता की बात, जो मन का हो वो अच्छा है और जो मन का ना हो वो बहुत अच्छा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इनकी कहानी से प्रेरणा लेंगे। तो जनाब आज के लिए इतना ही। आप हमारे प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें भर भर के कमेंट्स करें क्योंकि यही हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाता है। टिल देन बाय बाय।